हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं। आज इतनी जल्दी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज रात भर सोया ही नहीं मैं। रात भर मैं वीडियोस देख रहा था, जो मेरे ऊपर वीडियोस बनते हैं ना, एक्सपोज, जो भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग, जो भी वीडियो बनते हैं सारी। आज रात, पूरी रात बैठ के मैंने देख लिया, मुझे नींद ही नहीं, अब भी नींद नहीं आ रही। मैं मतलब इतनी सॉरी वीडियोज़ हैं मेरे ऊपर, मैं देख रहा हूँ लोगों ने इतना टाइम वेस्ट करा हुआ है मेरे ऊपर। तो थैंक यू सो मच सबको, इतना क्रिटिसाइज करने के लिए, इतना रोस्ट करने के लिए, इतना टाइम निकाल के मेरे ऊपर वीडियो बनाने के लिए। पीयूष जोशी गेमिंग। तो भाई मैं फिर से इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे के चैनल से एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है। अब पीयूष जोशी चैनल जब से इस दुनिया में आया है तब से सौरभ जोशी के फैंस दो भागों में बट गए हैं। और पहली वाली भाग ये कह रही है कि सौरभ जोशी भाई तूने अच्छा किया अपने भाई का चैनल खोल के, तो दूसरी वाली भाग ये कह रही है कि भाई इतने छोटे बच्चे का चैनल यूट्यूब पर नहीं होना चाहिए बिकॉज यूट्यूब खुद 15 साल से नीचे वाले बच्चों को चैनल खोलने से अलाउ नहीं करता, जो कि मेरे हिसाब से भी ये चीज सही है। देखो भाई, एक यूट्यूबर है जिसका चैनल नाम वजाहत हसन है। पीयूष जोशी के चैनल खुलने के बाद इसके भांजे ने पीयूष जोशी की वीडियो देखी और उसके बाद इनका भांजा ये जिद करने लगा कि मुझे भी एक गेमिंग पीसी ला के दो, अगर नहीं लाओगे तो मैं पढ़ाई करना छोड़ दूंगा। तो उस चीज के लिए इन भाई साहब ने एक वीडियो बनाया है जिसमें इन्होंने सौरभ जोशी से ये रिक्वेस्ट किया है, एक बार तुम भी देखो। मैं जानता हूं आप तो कहते होंगे कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, मैंने खुद सुना है आपके मुंह से, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है आपसे कि आप प्लीज पीयूष जोशी के मुंह से भी, अपने भाई के मुंह से भी बच्चों को मैसेज दिलवाएं कि भाई पहले पढ़ाई करो और स्कूल में जाओ। मैं आपको ये बात पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर भी कर सकता था, लेकिन यार जब आपके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर थे, मेरे 700K थे, तब आप मेरे मैसेजेस का जवाब देते थे व्हाट्सएप पर, और अब आप जवाब नहीं देते तो मैंने सोचा यहाँ पर तो आप पक्का देख ही लोगे शायद। देखो भाई, यहाँ पे किसकी गलती है मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि आज तक मैंने इतने छोटे बच्चों को यूट्यूब पे गेमिंग करते हुए नहीं देखा और ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है मे बी। पर सोचने वाली बात यह है कि बच्चों को ये लगता है कि पढ़ाई करने से अच्छा गेमिंग करना सही है यूट्यूब पे। देखो भाई, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो और तुम्हारी एज अगर 13 से लेकर 16 तक है तो अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, यूट्यूब तुम बाद में भी कर सकते हो, पढ़ाई ये सब कुछ है, यूट्यूब से कुछ नहीं होता, आफ्टर 18 तुम लोग यूट्यूब कर सकते हो एज पार्ट टाइम जॉब की तरह। लेकिन कम एज में यूट्यूब उतना ही खतरनाक है जितना पॉलिटिक्स होता है। और रही बात इन भाई साहब की, तो सबसे पहले मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई जाओ अपने भांजे को समझाओ और उसके हाथ में फोन मत दो। तुम अगर उसके हाथ में फोन दोगे तो वो पीयूष जोशी जैसे लोगों को ही देखेगा, और अभी तो तुम्हारा भांजा पीसी मांग रहा है, फ्यूचर में वो कैटरीना कैफ को भी मांग सकता है। और जब आपका भांजा कैटरीना कैफ को मांगेगा तो तुम उस पर भी वीडियो बना के ये कहोगे कि हेलो कैटरीना मैम, प्लीज आप मेरे भांजे से ये कह दीजिए कि मेरी शादी हो गई है। अरे भाई, तुम्हारे भांजे के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो छोटा है और फोन चला रहा है। अब सौरभ जोशी तो फिर भी ठीक है, पर तुम ये वीडियो बना के कहीं ना कहीं सौरभ जोशी को टारगेट कर रहे हो और मेरी ऑडियंस, मैं भी सौरभ जोशी को टारगेट करता हूँ, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे सौरभ जोशी गलत होता है और यहाँ पे भी सौरभ जोशी थोड़ा बहुत गलत है, पर उससे ज्यादा इनका भांजा और ये गलत है। पर अगर हम बात करें तो इन भाई ने सौरभ जोशी वीडियो बना के कहीं ना कहीं गलत किया है क्योंकि ये अपने भांजे को फोन चलाने से रोकने के बजाय सामने वाले बंदे पे वीडियो बना के ये कह रहे हैं कि भाई प्लीज पीयूष जोशी से कहलवा दो कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अरे भाई चलो, मैं मान लेता हूँ कि पीयूष जोशी ऐसा कह भी देता तो इनका भांजा मान जाता क्या? नहीं, तो वजाहत भाई हमको तो चूतिया समझो मत तुम। अभी तुम्हारा भांजा इनको देख के पीसी मांग रहा है, कल को वो सनी देओल की वीडियो देख के उनका 2.5 किलो का हाथ मांगेगा तो तुम सनी देओल पे वीडियो बना के उनसे भी कहोगे कि सनी पाजी आप प्लीज अपना डोला बना रहे तो बनाइए, पर डोला बनाने से पहले पढ़ाई लिखाई कर लो ये कह दीजिए। अब नो डाउट कि पीयूष जोशी के कारण ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, पर इतना याद रखो कि नोबडी कैन इन्फ्लुएंस यू अगर तुम चाहो तो। अब इन भाई की इस वीडियो को देखने के बाद सौरभ जोशी के फैंस इनके ऊपर भड़क गए और इनको कमेंट्स में हेट देने लगे, तो इन्होंने अपने ट्विटर पे ये कहा, आई एम गेटिंग हेट, माय फैमिली गेटिंग हेट्स एंड थ्रेट्स, सब कुछ इतना पोलाइटली एंड पॉजिटिवली कहा उसके बावजूद इतनी नफरत मिल रही है, मे बी यूट्यूब इज नॉट मीट फॉर टैलेंटलेस पीपल लाइक मी। देखो आजाद भैया, तुम अपनी जगह पर सही हो, पर कहीं ना कहीं तुमको अपने घर वालों को पहले समझाना चाहिए था, ना कि सौरभ जोशी और पीयूष जोशी को समझाना चाहिए था, और पीयूष जोशी का चैनल बंद होना चाहिए इसमें मैं आपके साथ हूं, पर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ वीडियो बना सकते हैं और वीडियो बना के कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो अपने भांजों को समझाइए, और मैं जानता हूं अगर आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। सौरभ जोशी अपना चैनल चला रहा था वहां तक तो ठीक था, पर मैं अपनी हर वीडियो बोलता हूं कि सौरभ जोशी बहुत ही ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल हो गया है। अरे भाई, तुम बड़े यूट्यूबर हो गए, ऐसे चूतिया पर कैसे कर सकते हो? अब इन भाई साहब का इसमें भी पेट नहीं भरा तो इन्होंने एक और वीडियो बनाया जिसमें ये सौरभ जोशी के फैंस को रिप्लाई दे रहे थे, ये देखो। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, 8 साल का या 10 साल का या पीयूष की जो भी एज है, उस एज का कौन सा गेमर यूट्यूब कम्युनिटी पर है जिसके पास इतना जबरदस्त पीसी है? प्लीज कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना उसका नाम ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि मैं नहीं जानता, आप लोग शायद बता के मेरी आंखें खोल दो। जितना मैं जानता हूं, यूट्यूब शायद 12-13 साल से नीचे के बच्चों को अलाउ भी नहीं करता चैनल को ओपन करना, तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, ठीक है हेटर्स? एक और हेटर बोलते हैं कि ये पीयूष जोशी का चैनल नहीं है, ये सौरभ जोशी का चैनल है। अबे यार, चैनल का नाम क्या है? कुछ भी करते हो यार तुम लोग। बाकी बातें हैं सौरभ जोशी पे जिन्होंने हमें इनडायरेक्टली रिप्लाई दिया है, एक बार और तुम भी देखो। वीडियोस देख रहा था, जो मेरे ऊपर वीडियोस बनते हैं ना, एक्सपोज, जो भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग, जो वीडियो बनते हैं सारी, मतलब इतनी सॉरी वीडियोस हैं मेरे ऊपर, मैं देख रहा हूँ लोगों ने इतना टाइम वेस्ट करा हुआ है मेरे ऊपर। तो थैंक यू सो मच सबको, इतना क्रिटिसाइज करने के लिए, इतना रोस्ट करने के लिए,
इतना टाइम निकाल के मेरे ऊपर वीडियो बनाने के लिए। देखो सौरभ भाई, थैंक यू बोल के मैं चूतिया मत समझो तुम, क्योंकि मेरी हर वीडियो तुमको कुछ ना कुछ सिखाती है, जैसे क्या बोलना है, क्यों बोलना है, बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए। स्पाइडरमैन नो वे होम वाली कॉन्ट्रोवर्सी, पीयूष का एडमिशन कराओ स्कूल में, जो मेरी वीडियो के बाद तुमने उसका एडमिशन भी करवा दिया। आपसे कोई हेट नहीं करता भाई, बल्कि आपकी नासमझी से सब हेट करते हैं। आजकल की वीडियो में आप अपने फैन से दिल खोल के मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से आपकी वीडियो सुधर रही है, तो प्लीज एक्सेप्ट इट। किसी के पास फ्री टाइम नहीं है जो आपके ऊपर वेस्ट करे, पर फिर भी हमने ऐसा किया है, बस कुछ चीजें, और अगर आप वो सुधार लेते हैं तो क्या ही मजा आएगा आपकी वीडियो देखने में। बाकी सौरभ जी के फैंस आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और मुझे पता है कि तुमको ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी, और अगर सच में नहीं आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बताना कि क्या मैं कहीं पे गलत था, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में, तो हां थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय।